गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज प्रोजेक्ट नोमैड रिपोर्टिंग फ्रॉम वडोदरा एंड राइडिंग ऑन ब्लैक बर्ड सुपरसोनिक। तो एक्चुअली कल मैं वडोदरा आ गया था और कल शाम को ही मैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और उसके लोकेलिटी के लिए एक्सप्लोर कर चुका था। सो आज मैं निकल रहा हूँ उदयपुर के लिए। एक्चुअली तो उदयपुर में कुछ चीज़ें हैं देखने लायक। एक्चुअली मैं राजस्थान बहुत बार गया हूँ लेकिन घुमा कभी नहीं प्रॉपरली। सो इस बार सोच रहा हूँ कि अगर जब निकल रहा हूँ उदयपुर हो करके तो एक दिन रुक करके थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो वहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं प्लान। एक सज्जनगंज फोर्ट है, एक सिटी पैलेस है और बाकी जो लेक्स है आसपास, तो उसको एक्सप्लोर करने का प्लान है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो वडोदरा से एक्चुअली काफ़ी अच्छा रूट है। यहाँ से उदयपुर अराउंड 400 किलोमीटर है और मैं एक गोधरा और हलोल के रास्ते, मोडासा गोधरा हलोल के रास्ते निकलूँगा। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, बीच में कुछ पैचेस हैं जो जंगल को होके जाता है। आई थिंक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है बीच में, तो देखते हैं कैसा है। आई थिंक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है जामबुंग समथिंग, लाइक जामबुगदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समथिंग लाइक दैट। तो उस रास्ते से भी जाएंगे हम, देखते हैं। सो बने रहिए और हमारे साथ घूमते रहिए लद्दाख और रास्ते में जो जो चीज़ पड़ रहा है। लोकेशन आई हैव रीच राइट नाउ एंड दिस इज़ वन ऑफ द होटल। सो आई हैड सम फूड हियर एंड दिस इज। आपका नाम भैया? श्रावण। अच्छा, तो यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन श्यामला जी आप बता रहे थे, क्या है वहाँ पे? टेम्पल है सर। अच्छा, मंदिर है। अच्छा, टेम्पल टूरिस्ट प्लेस है वो, काफ़ी भीड़ काफ़ी होती है वहाँ पे। अच्छा, और ये जो पहाड़, ये जो है इस पहाड़ का कोई नाम वगैरह भी है या फिर नहीं है? अच्छा, लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है बट गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत है, सर्दी में आओ तो मज़ा आएगा। जी। आपका इस होटल का नाम क्या है? कृष्णा होटल है। कृष्णा होटल है। ये इस हाईवे पे लगता है ना उदयपुर से, दो मतलब ये जो सिक्स लेन से 2 किलोमीटर पहले। जी जी। आगे जाएंगे नियर में साम्राज्य आ जाएगा। अच्छा, चलिए। खाना आपका अच्छा था और आपकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है। चलो, इन उदयपुर आई एम रेसाइडिंग हियर। सो दिस इज अनदर 5-star होटल, दिस इज माई होम स्टे। दिस लेक सर्वे, this is the main entry and we're going through this gate. This is bahar se zyada kuch to lag nahi raha hai but let's see inside what is there. Sajjangarh Pokarpan Sanjeeva. Bahut mast aa rahi hai. तो ये आई थिंक महाराणा सज्जन सिंह सलाहकारों के साथ
सुंदर ऐसा कुछ दिखता है ये। भैया अंदर अंदर बस यही है। अच्छा और भी कुछ है यहाँ? बस यही है। अच्छा तो घुसते ही ख़त्म हो गए। तो ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है? हवा बहुत ज़बरदस्त है। ये रास्ता ऊपर जाता है प्रोबेबली। वो ये मेजर प्लेस जो रोड से वे हैव कम फ्रॉम दैट रोड। पूरी बाइक वहाँ से ले जाए टिकट काउंटर वहाँ से ऐसे होते ले जाते हैं। क्योंकि मस्त हवा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। एक साइड दूसरी साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सो या दिस इज़ द मेन आई थिंक दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन। इसके अंदर ये वहाँ पे भी था आई थिंक उस वाले पे। और ये एक्चुअली उस टाइम का एक क्लाउड स्टडी एंड रिसर्च सेंटर था। उस टाइम पे वेदर का फोरकास्टिंग वगैरह करते थे। सो या महाराजा सज्जन सिंह ने इसको बनवाया था। या दिस इज़ अ वेरी एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट या द व्यू इज़ वेरी स्प्लेंडेड ऑसम। हमें उधर मेरी बाइक कहीं लगी हुई है नीचे। बढ़िया है। मस्त है यार। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द लेक फेमस लेक दैट साइड। एक लेक है, दूसरा लेक ही है। दो लेक यहीं से दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े लेक। सो या वी हैव बीन टू दैट प्लेस। वहाँ पे थे हम। दिस इज अनदर प्लेस। और ये एक छोटा सा आई थिंक समथिंग इज सेट समथिंग। एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से ये कुछ ऐसा भी आता है।
actually very nice place. This is the restaurant. This is a Fateh Sagar Lake. We are on Fateh Sagar Lake पे हैं. काफी बड़ा लेक है यहाँ पे. यहाँ पे बोटिंग राइडिंग भी होती है. इसके प्राइजेस वगैरह 118 और स्पीड बोटिंग के लिए 236 रुपये. काफी बड़ा है. यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है. अभी हम सिटी पैलेस, या इसको आई थिंक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पैलेस माना जाता है. इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस. एंड दिस इज माई बाइक. वेयर इज माई बाइक? या दिस इज माई बाइक. आई पार्क माई बाइक ना. सो दिस इज माई बाइक. और ये काफी बड़ा है. पता नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ से. यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं. इफ यू वांट टू बाय समथिंग, कुर्ता. काफी बड़ा है एक्चुअली. दिस इज द प्लेस. आई थिंक आई शुड बाय दिस वन मे बी समडे. दिस इज ह्यूज. दिस इज द म्यूजियम. और ये बहुत, आई थिंक ये मेन एंट्री है. सामने कोई टेम्पल ऐसा कुछ लग रहा है. सूरज. चलो पहले अंदर चलते हैं. स्टॉप ऑन इज अलाउ. शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है. ये एग्जिट है क्या? दोनों तरफ से उधर भी है. अच्छा हाँ, वही वही देख रहे. नो सर, थैंक यू. I think it's too big. काफी भूल भुलैया टाइप है. प्रवेश एंट्री. Thank you.
काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, इसको एक्सप्लोर करना वे टू डिफिकल्ट। बड़ा है यहाँ पे म्यूजियम है, गैलरी इन प्रोसेस, आई थिंक बिलोंग्स टू द मेरे मौलाना प्रताप बोल सकता है। दिस इज द मेन एंट्री, काफी शानदार है यार। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करना है तो ट्रैकी। कृपया विजिट दिस साइट फर्स्ट। Basically, I think it's a museum. It's pura museum hi hai kya? Everything is museum. Everything is here museum kind of. Okay. Okay. काफी शानदार व्यू इतने छोटे से दरवाजे में अंदर आए और इतने बड़ी एरिया में चल गए। वो मेरी बाइक पार्क है वहाँ, और ये पूरा लेक व्यू है, ये इनसाइड है। और ये जो है लेक साइड व्यू है। ये
I think we should sit sometime, yeah? Then we'll go somewhere. So, yeah, actually tough floor, I think. This is a tough floor. वहाँ से खिड़की से बाहर का लेक भी दिखता है। This is the city palace view. It's considered to be India's second largest palace. I don't know which one is the first, but yeah, complete with Udaipur, you can see. अभी इधर से अपन आए हैं, इधर से आए और अभी इधर नीचे कर देंगे। लेकिन छोटे छोटे रास्ते क्यों बनाए हैं उन्होंने? That is a big question. Okay, question. इतना मेन रास्ता तो मेरे को अभी तक देखा भी नहीं। And probably I won't be able to complete the whole because so it has been constructed. It's like अभी मैंने वो एक गार्ड से पूछा कि ये रास्ते इतने छोटे छोटे पतले क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली दिस ऑल दिस वे वेयर मेन फॉर द सेवक और किसी हमले में भागने के लिए भी। एक्चुअली मेन जो रास्ता है वो काफ़ी बड़ा है बट वो उन्होंने बंद कर रखा है सो दैट द टूरिस्ट गॉट सम कन्वीनियंट टू ट्रैवल फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। दिस वॉज द रीज़न। This seems to be one of the giant cave. This is the place that seemed to be one of the most ऐसा लग रहा है किसी करीब के लिए बनाया गया था। एक्चुअली दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ दिस पैलेस। सो एक्चुअली दिस पैलेस हैज बीन बिल्ट इन ड्यूरेशन ऑफ 400 इयर्स सिंस फेज वन मॉडल वन वाज क्रिएटेड in 16th century. So it's basically architectural evolution of the city palace complex. So initially it was like this and now later on after another century this is the evolution have been developed. So yeah, so you can see the difference. And then this 3rd century, 18th century.
So I think, and now this one. So you can see, now finally this is the thing. So you can see here also. Phase 1, phase 2 and phase 3. So yeah, this is a quite interesting one. Oh, so many ones. Wow, these are the some of the fine arts. They are the marble rock, the god of fire, Pravasthana, Pashwarnath, 23rd Tirthakara of Jain. Bhairav, Jai Gurudev. These are the some of the. So actually, this is the location we have been to, various gallery. वहाँ से अपन पूरा घूम करके इधर से आए हैं. नाइस. और यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने के लिए, रेस्टोरेंट टाइप. देखते हैं व्हाट आर देयर. दिस इज अनदर लोकेशन. पता नहीं ये क्या चीज़ है. World Cup. This is my favorite. तो ये म्यूज़ियम का था वो 300 रुपीज़ टिकट म्यूज़ियम. और ये कॉम्प्लेक्स इसको टिकट बोलते हैं. ये 30 रुपीज़ का है. देखते हैं क्या है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर.
आई थिंक इधर से एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से कोई एंट्री है कॉम्प्लेक्स के अंदर। Seem to be another section of this palace. So, Fateh Prakash Palace, Surya Darshan, Crystal Gallery, Darbar Hall, Sunset Terrace, Boat Ride on Lake Pichula, Rameshwar Ghat, Jag Mandir, a palace on is an island in Lake Pichola, Lake Palace. These are the timings mentioned. So actually these are the places for so what I was saying that some of these attractions are within the campus of this. देखते एक जग मंदिर है अंदर। इसमें स्किल सर एंट्री है क्या? इसमें क्या चीज है? हाँ होटल है। ओके ओके। बोटिंग के लिए नीचे है और जग मंदिर वो भी नीचे। ओके थैंक यू सर। तो ये देखो कितना मस्त जगह है यार। ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। ये सिटी लाइक सिटी पैलेस है, इसकी बिल्डिंग है और ये लेक है उसके सामने। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पे कुछ होटल्स भी है, वहाँ पे प्राइवेट होटल्स। ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है इस। हमने कुछ तो है। तो ये बोटिंग एरिया का लोकेशन है। यहाँ से ये सारी बोट जाती है। 500 रुपीज़ चार्ज है इसका। और ये हमारा प्यारा पैलेस, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा। और ये मैं
अभी हम रोप वे से ऊपर आए हैं और ये मनसा करनी माता टेम्पल। देखो सिटी ऊपर मनसा करनी, मनसा पूर्ण करनी माता देवी टेम्पल। चितोला लेक माता मंदिर, यहाँ से क्या व्यू है जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मंदिर नहीं होता तो लोग इस व्यू को एंजॉय भी नहीं कर पाते। माता के दर्शन करने तो यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा नहीं, वीडियो बनी करूँगा।